डियर स्टूडेंट वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और जिसमें तीसरा चैप्टर है यूपी बोर्ड स्पेशल है, और यूपी बोर्ड में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो आज की जो टॉपिक है तीसरे चैप्टर की, जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। आपको यही बताना है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि के बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और यहाँ पे पढ़ते हैं। दो एक्टिविटी दी गई हैं। कह रहा है पहली एक्टिविटी में कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। इसके पहले के फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और तीसरा चैप्टर आपका ये है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों को शेयर कर दिए। 100 ml जल में 10 ग्राम चीनी को घोलिए। कह रहा है 100 ml जल लीजिए और उसमें 10 ग्राम चीनी को घोल लीजिए। एक परख नली में इस बिलियन का 20 ml लेकर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर डालिए। कह रहा है कि एक चुटकी उसमें क्या डाल देना है, ईस्ट पाउडर मिलता मार्केट में, उसे लेके आपको डाल देना है। परख नली के मुंह को रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रख दीजिए। कह रहा है परख नली के मुंह को रुई से ढक दीजिए, और जहाँ पर हल्की सी धूप आ रही हो परख नली को लैब के सामने वहीं पर रख दीजिए। 1 या 2 घंटे के पश्चात जब आपका लैब ओवर होता है तो परख नली में से ईस्ट संवर्धन की एक बूंद लाइट पर लेकर उसे कवर स्लिप स्लिप रखिए, उस पर कवर स्लिप रखिए और उसको देखिए। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का प्रक्षेपण करिए, उसमें जो आपको दिखाई पड़ता है उसे आपको स्लाइड से देखना है। क्रियाकलाप नंबर 2 करना है आपको। डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे नम और तथा अंधेरे स्थान पर रखिए। कह रहा है डबल रोटी यानी जो आपका ब्रेड आता है, इसे भिगो करके ठंडे नम और अंधेरे स्थान पर रख दीजिए। आवर्धन लेंस की सहायता से स्लाइड की सतह निरीक्षण कीजिए। अपने एक सप्ताह के परीक्षण कॉपी पर रिकॉर्ड करिए कि एक सप्ताह बाद आपको उसमें क्या दिखाई देता है। चलिए अब इसमें हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं। ईस्ट की वृद्धि यौन दूसरी क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। कह रहा है एक घंटे के बाद जो पहली एक्टिविटी, उसमें आपको ईस्ट की वृद्धि दिखाई पड़ेगी और दूसरे तरीके में आपको कवक दिखाई पड़ेगा, तो दोनों की वृद्धि में अंतर क्या आता है उसकी आपको तुलना करना है। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जाने कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। जनन किस प्रकार कार्य करता है ये जानने से अच्छा है कि जनन किस प्रकार जीव करते हैं इसको जानने। विभिन्न जीवों में जनन की विधियां उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती हैं। कह रहा है अलग अलग जीवों में जनन की विधियां अलग अलग प्रकार से निर्भर करती हैं। एक कोष की जीवों में पहला है नंबर 1 हमको पढ़ना है किसका, विखंडन। तो विखंडन एक टॉपिक है जिसे फिजन कहते हैं, तो इसको देखते हैं। एक कोष की जीवों में कोष का विभाजन तथा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। कह रहा है कि एक कोष की जीव जो होते हैं उसमें कोष का विभाजन होता है, सेल के विभाजन होने से तथा विखंडन द्वारा नए जीवों की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए हैं। अनेक बीजाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा समानता 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। कह रहा है अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, क्योंकि अमीबा कैसा है तो आप जानते हैं, अमीबा में कोई भी निश्चित शेप और साइज नहीं पाई जाती है। तो ये है अमीबा। अमीबा में क्या हुआ, पहले कोशिका ने न्यूट्रिशन लिया, कोशिका का विकास हुआ, कोशिका बढ़ी, कोशिका उसके बाद बीच से विभाजित होने लगी, न्यूक्लियस का विभाजन हो चुका है। न्यूक्लियस जब दोनों तरफ विभाजित हो गए, पहले न्यूक्लियस का विभाजन हो गया, जब न्यूक्लियस विभाजित हो गए तो दोनों न्यूक्लियस अपनी अपनी तरफ साइटोप्लाज्म को खींचे, और कुछ ही दिन में बाद डॉटर कोशिकाओं का निर्माण हो गया, नए नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। परंतु कुछ एक कोष की जीव जीवों की शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है, उदाहरण जैसे कि कालाजार के जीवाणु। कालाजार का जीवाणु जैसे लेस्मानिया डोनोबानी एक जीवाणु है जो उससे कालाजार हो जाता है। लेस्मानिया डोनोबानी में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है, ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। कह रहा है कि इसमें द्विखंडन होता तो है लेकिन एक निर्धारित तल से होता है।
मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोश के जीवों एक साथ अनेक संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं जिसे बहुखंडन कहते हैं। कह रहा मलेरिया के जीवाणु जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का परजीवी जो है एक कोश की है जिसका नाम क्या है प्लाज्मोडियम, इसमें विखंडन क्या होता है बहुखंडन विधि से होता है, यानी एक साथ बहुत सारे इसके कोशिकाएं बन जाती हैं और जो टूट करके पूरे शरीर में फैल जाती हैं और आप मलेरिया से ग्रस्त हो जाते हैं। दूसरी ओर ईस्ट कोशिका के छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं और क्रियाकलाप 8.1 में देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पायरोगायरा समानता विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करने जीव वेष्टिक में विकसित हो जाता है। क्रियाकलाप 8.4 के प्रेक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं? परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। इस सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं, ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कोशिकाओं के समूह मात्र ही नहीं है, विभिन्न सम कोशिकाओं में समूह मात्र ही नहीं है, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करते हैं तथा ऊतक संगठित होकर के अंग का निर्माण करते हैं। शरीर के अन्य स्थिति का निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्था परिस्थिति के में कोशिका दर कोशिका विभाजित अव्यवहारिक है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। कह रहा बहुकोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। इस सामान्यतः सामान्य अवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों के जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीवों के कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिसमें वृद्धि क्रम प्रसरण उचित परिस्थितियों में विशेष प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता होती है। दूसरी टॉपिक मेन आपके जो है वो है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या करना है आपको कि इसमें पुनर्जनन होता है, यानी नए कोशिकाओं का नए जीवों का निर्माण होता है। एक बार जीव क्या हुआ कि यहाँ पे एक स्पायरोगायरा या सॉरी प्लेनेरिया का उदाहरण दिया गया। प्लेनेरिया क्या होता है कि इसके खंड तीन खंड कट जाते हैं और फिर तीनों खंड विकसित करके नए नए बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपके घर में जो हाउस वाल लिजार्ड पाई जाती है यानी घरेलू छिपकली पाई जाती है उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें बॉडी का सेगमेंट कट जाता है, टेल कट जाती है और फिर नई टेल का विकास हो जाता है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अनेक कायिक भाग से नए जीव का निर्माणों की क्षमता पाई जाती है। कह रहा है कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कायिक भाग से यानी शरीर के अंग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव छत बिछत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो उसके अनेक टुकड़े वृद्ध करके नए जीवों को विकसित कर लेते हैं। उदाहरण हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, यह पुनरुद्भवन कहलाता है। कह रहा है कि जीवों का वह टुकड़ा जो डेवलप होकर नए नए जीवों का निर्माण कर देता है उसी को हम क्या कहते हैं पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं में क्रम प्रसरण के अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से क्रम में होता है जिसे परिवर्धन कहते हैं, परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काट कर समानतया नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। कह रहा है कि सभी जीवों को अगर काट दें सभी जीवों में ये क्षमता नहीं पाई जाती, कुछ विशिष्ट प्रकार के जीवों में ही यह क्षमता पाई जाती है। अगला आपका है मेजर टॉपिक है जिसका नाम क्या है मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणियों में पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए भी करते हैं। हाइड्रा की कोशिकाओं में नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्ध करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनन के से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। यहाँ पे देखिए ये मुकुल है, मुकुल डेवलप करेगा, एक स्वतंत्र जीव का निर्माण हो जाता है।
कायिक प्रवर्धन, ऐसे बहुत से पौधे हैं जिसके कुछ भाग जैसे कि जड़, तना तथा पत्तियां उपर्युक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न कर लेती हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे की इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के लिए के रूप में करते हैं। परतन, कमल अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीकी का उपयोग कृषि में किया जाता है। गन्ना, गुलाब और अंगूर जैसे बहुत कुछ उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों के बीज द्वारा उगाए गए पौधों के अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगते हैं। कह रहा कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों तथा बीज द्वारा उगाए गए पौधों में यह अंतर होता है कि कायिक वाले पौधे जल्दी से पुष्प और फल देने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे अन्य पौधों में उगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक जनक के रूप से एक दूसरे के समान होते हैं। आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। पत्तियों द्वारा जो कल का विभाजन होता है, पत्तियों द्वारा जो जनन होता है उसे क्या कहते हैं, ब्रायोफाइलम में पाया जाता है। इस प्रकार ब्रायोफाइलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे को विकसित हो जाती हैं और नए पौधों में विकसित हो जाती हैं। बीजाणु समाघन अगला आपका है। बीजाणु समाघन एक और तरीका होता है जो बीजाणु समाघन के रूप में होता है। अनेक सरल बहुकोशिकी जीवों में एक विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। कह रहा है कि अनेक कोशिकी जीव ऐसे होते हैं जो विशिष्ट प्रकार की संरचना बना लेते हैं। क्रियाकलाप आर्द्रन हो दो में देखिए ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई। यह राइजोपस या कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं परंतु ऊर्ध्व तंतुओं के गुच्छ गोल संरचना जनन में भाग लेती है। यह कुछ बीजाणुधानी जिनमें विशेष कोशिकाएं तथा बीजाणु पाए जाते हैं यह बीजाणु वृद्ध करके राइजोपस में एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं। बीजाणुओं के चारों ओर एक मोटी भित्त होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर यह वृद्ध करने लगते हैं। तब अब तक जनन कि जिन विधियों को हमने चर्चा की उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है या इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इन सभी विधियों को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अगली टॉपिक हमको पढ़नी है लैंगिक जनन, लेकिन दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे लैंगिक जनन, फिर लैंगिक जनन पढ़ेंगे पुष्पों में लैंगिक जनन, और पुष्पों में लैंगिक जनन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन, और इतना करने के बाद हमारी टॉपिक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कल एक वीडियो और होगा, दो वीडियो कल होंगे, और कल ये टॉपिक क्या हो जाएगी आपका, तीसरा चैप्टर कल आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आए हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखते रहिए, फिर हम मिलते हैं।